नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप में एबिलिटी है जीके क्वेश्चंस को टच करने का, तो चलिए देखिए कि आप 50 क्वेश्चंस में से कितना जो है आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक क्षेत्र से जो है क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको जो है हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर सी, 58.9%, यानी कि 58.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? ऑप्शन नंबर सी, 7वां। अगला क्वेश्चन है, पीपीपी के आधार पर भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। नेक्स्ट है आपका, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी कि किस डेट में? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के सिर से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अप्सौर। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? वहाँ अधिकतम दूरी था, यहाँ है न्यूनतम दूरी। ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। अपसौर यानी कि अधिकतम दूरी और उपसौर न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन नंबर डी, 89। नेक्स्ट आपका, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। नेक्स्ट है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन,
आंसर बी ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। नेक्स्ट आपका कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कल्की, कल्की को माना जाता है। अगला है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? ऑप्शन नंबर सी पंचमहल का। अगला है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया, यानी किसने इबादत खाना बनाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर सी मैसूर का था। अगला है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर डी 1942। नेक्स्ट आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक। अगला है आपका महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने। अगला है आपका नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आपका भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी रिफन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1917। अगला है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साहित्य साप्ताहिक था? ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। अगला है आपका हवा महल कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। अगला है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सिकरी में। अगला है आपका
भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। अगला है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी ENIAC। नेक्स्ट आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1946। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? ऑप्शन नंबर डी 1960। अगला और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी संगणक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो आपको 50 क्वेश्चंस जीके का जो टॉप जीके था मैंने जो है करा दिया। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और इनमें जो भी क्वेश्चंस मैंने जो लिया था इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कंप्यूटर और ज्योग्राफी का भी मिक्स था। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा और आपका जो है नॉलेज आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।